السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 279 آيت نمبر 1 سے 15 لسن نمبر 279 آيت 1 to 15 لفظی ترجمہ सूरत अल हदीद के बारे में कि ये मक्की है या मदनी इख्तिलाफ पाया जाता है। ज्यादातर मुफस्सरीन का रुझान इसी तरफ है कि ये मदनी सूरत है। बाज ने मक्की भी कहा लेकिन ये राय मरजूह है। जंग उहद और सुलह हुदैबिया के दरमियान गिरसे में नाजिल हुई। चार रुकू हैं, 39 आयात हैं, 544 कलिमात हैं, 2476 हुरूफ। इस सूरत में बुनियादी तौर पर मादियत और रूहानियत के दरमियान जो तवाजुन होना चाहिए उसका जिक्र किया गया है। سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ما في السماوات ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے والأرض اور زمین میں آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تسبیح اور سبح کا لفظ جو ہے سین بے حے سے ہے سبح کہتے ہیں کسی چیز کا دور ہونا तैरने के लिए भी आता है उड़ने के लिए भी और साबिह कहते हैं तेज रफ्तार घोड़े को तो जो तेज रफ्तार घोड़ा होता है वो क्या करता है दौड़ते दौड़ते निगाहों से ओझल हो जाता है दूर हो जाता है जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के इंस्पेक्शन के वक्त उनकी तेज रफ्तारी की वजह से वो उनकी निगाहों से ओझल हो गए तो साबिह तेज रफ्तार घोड़ा जो निगाहों से दौड़ते हुए दूर हो जाए तो बुनियादी तौर पर सबह में दूर करने के माने पाए जाते हैं तो तस्बीह का क्या माना है दूर करना किसको हर ऐब और नक्स को कमजोरी को किससे अल्लाह से अल्लाह सुभान व तआला को हर ऐब से हर नक्स से हर कमी से पाक बयान करना इसीलिए तस्बीह का लफ्जी माना होता है किसी चीज को बुराई से दूर करना उसे पाक करना कुरान मजीद में यह लफ्ज सिले के साथ और सिले के बगैर दोनों तरह आया है जैसे सब्बाह के तौर पर भी और सब्बाह लहू के साथ भी यानी लाम के साथ भी एक जगह पर आता है तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला और एक जगह आता है सब्बिहु और आमतौर पर क्या आता है सब्बाह लहू या युसब्बिहु लहू और इसी तरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला कई सूरतों का आगाज तस्बीह से होता है इसीलिए इन सूरतों को मुसब्बिहात कहते हैं वो सूरतें जिनका आगाज सब्बह या युसब्बिह से होता है उन्हें क्या कहा जाता है मुसब्बिहात इनमें से एक तो सूरत अल हदीद है फिर अल हश्र फिर अस्सफ अल जुमा और अत तगाबुन सूरत बनी इसराइल सुबहाना से शुरू होती है वहां भी सुबहान का लफ्ज आता है अबू दाऊद और तिर्मिजी की एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले ये मुसब्बिहात पढ़ा करते थे एक रिवायत में यह भी आता है कि आपने फरमाया कि इनमें एक आयत ऐसी है जो हजार आयतों से अफजल है और इब्ने कसीर ने इसकी आयत नंबर 3 को जिसमें हुवल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन आता है उसे बेहतरीन आयत करार दिया इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे दिल में वसवसा डाले यानी शैतान वगैरह दीन के मामले में अल्लाह के बारे में तो ये आयत आहिस्ता से पढ़ लिया करो बाज लोगों को तकलीफ या परेशानी होती है किससे वसवसों से तो उनका इलाज क्या है इस आयत को पढ़ना पिछली सूरत में हम देखते हैं कि इख्तिताम किस पर हुआ फसब्बिह बिस्म रब्बिकल अजीम हमने की या ना की तस्बीह अल्लाह इससे बेनियाज है हमारी तस्बीह से क्यों इसलिए कि सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्द ऐ इंसान तू तस्बीह कर या ना कर आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के लिए तस्बीह कर रही है और क्या माना है तस्बीह करने का कि अल्लाह की पाकी बयान कर रही है और ये तस्बीह लिसानुल मकाल से भी होती है यानी बोलकर भी और लिसानुल हाल से भी तो यहां मुराद क्या है
لسان المقال، کیونکہ پرندے اور نباتات اور جمادات یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، تو جب آپ تسبیح کریں تو پھر آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عظمت ہونی چاہیے اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں اور بندوں میں بھی بیان کی جاتی ہیں. مثلا اللہ جانتا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں فلاں بندہ بھی بہت کچھ جانتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کے لیے السمیع البصیر آتا ہے، تو بندے بھی سنتے ہیں اور بندوں کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ یہ ظاہر میں ایک جیسا نظر آتا ہے ورنہ حقیقت میں ایک جیسا نہیں ہے. یعنی اللہ کا سننا بندوں کے سننے جیسا نہیں ہے، یا بندوں کا سننا اللہ کے سننے جیسا نہیں ہے. اللہ کا دیکھنا اور بندے کا دیکھنا، اللہ کا علم اور بندوں کا علم، اس میں کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. نو کمپیریزن، لیس کمثلہ شیء. تو یہ صرف ظاہری مماثلت نظر آتی ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر نظر آتی ہے، یا سمجھانے کے لیے بعض چیزوں کو بیان کیا گیا، ورنہ اللہ بندوں کی طرح نہیں ہے کسی بھی چیز میں، یا بندے اللہ کی طرح نہیں ہے کسی بھی چیز میں. واضح؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو کیا کر رہی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز؟ کیا کہتی ہے وہ؟ تو پاک ہے اور تو ہر چیز سے بلند و بالا ہے. یہ خالص توحید کا اظہار ہے، توحید خالص کا اقرار ہے. یعنی تسبیح کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے اس میں، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت. اس لیے قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا کہ بندو تم بھی کرو، فسبح بسم ربک العظیم. اور سورۃ الواقعہ میں دو بار یہ بات آئی، لیکن ہمیں تو مطلب بھی نہیں پتا کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کرتے کیسے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا دل میں ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں جاننے کی تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، نہ ان کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ان کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہ کام جو ساری مخلوق کر رہی ہے وہ بھی نہ کرنا آیا ہمیں، کیا جانتے ہیں ہم؟ وہ تو ہر وقت کر رہے ہیں، کیونکہ سبحا کا لفظ ہے، یہ ماضی ہے. تو وہ چیز جو حال میں بھی ہو رہی ہے اس کو ماضی کے صیغے میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ اس کے تسلسل کو ظاہر کرنے کے لیے. اور پھر ایک جگہ ماضی، دوسری جگہ مضارع استعمال ہوا، یعنی کی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی. ہم کبھی کرتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کرتے ہی نہیں. کرتے بھی ہیں تو بے روح، بے سمجھ، بغیر کسی سوچ کے بس تسبیح کر رہے ہیں. اور تسبیح کا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لکڑی کی یا کسی چیز کے دانوں کو اٹھا لینا اور وہ بس تسبیح ہے. تسبیح کا لفظ آتی ہے ہمارے ذہن میں، وہ ایک ہار سا آ جاتا ہے اور دیٹس اٹ. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ جی سخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر. تو داؤد کس طرح کرتے تھے؟ مقال سے کرتے تھے نا، بول کے کرتے تھے تسبیح. تو پہاڑ بھی پھر ساتھ اپنی زبان میں بول کے کرتے تھے، اور پرندے بھی اپنی زبان میں بول کے کرتے تھے. تو یہ جو تسبیح ہے ساری مخلوق کی، وہ اپنی اپنی زبان میں بول کے کی ہوئی تسبیح ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بھی جب تسبیح کریں تو بس صرف خیالی تسبیح نہ کریں، منہ سے بولا بھی کریں. ہم بعض وقت کہتے ہیں نا، اچھا ہم دل دل میں کر رہے ہیں ذکر. ٹھیک ہے، دل میں بھی کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ زبان حال ہے. ہم بعض وقت کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو بھی ہمارے دل میں وہ ایک کیفیت ہونی چاہیے. کیونکہ اہل جنت کا کام جنت میں کیا ہوگا؟ تسبیح ہوگا. اور وہ تسبیح کیسے جاری ہوگی؟ ان کی سانس کے ساتھ. تو وہ دنیا میں ہم اس کو کرتے رہیں گے تو ہوگا نا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان اور کان کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں، تو پھر ہم زبان کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہمیں غور سے کوئی بات سننی ہوتی ہے تو اس وقت بھی زبان کو بھی روکنا پڑتا ہے،
तब जाके हम तवज्जो कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते, खामोश होते हैं, उस वक्त खामोश ना रहा करें, उस वक्त जबान इस्तेमाल करके तस्बीह किया करें। तो सुब्हा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। अजीज का माना क्या है? गालिब, गलबे वाला। और इज्जत में उसकी किबरियाई, उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत, उसकी कुदरत, ये सब चीजें आती। बुनियादी तौर पर माना क्या है? वो जबरदस्त है, कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता। हुवल अजीज ला गैरुहु, समझे? हुवल अजीज वो है असल गालिब, कोई और नहीं है। अल हकीम हिकमत वाला है, हुक्म वाला है, उसका हर काम हर फैसला हिकमत पर मबनी है। तो ये जो उसकी सिफात है, इन पर ईमान लाना जरूरी है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो गलबे वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। आसमानों जमीन को पैदा भी उसने किया और इनका मालिक भी वही है, और वो सारे के सारे उसी के आगे मुती फरमान है, कोई और नहीं है मालिक इनका। कैसे? कोई जिन, कोई इंसान, कोई और मखलूक जमीन की मालिक नहीं है, अल्लाह ही मालिक है। तो आप कहेंगे नहीं, मेरे पास एक घर है और मैं उसकी मालिक हूं, और आप कैसे कहते हैं? तो क्या जवाब देंगे? मैं पीछे बता चुकी हूं, इसलिए आपसे पूछूंगी अब। नाकिस, इंसानों की मिल्कियत नाकिस, वक्ती। आप 10 एकड़ जमीन के भी मालिक हैं तो आप मालिक नहीं है। अगर आपको वक्ती तौर पे मालिक कहा भी जा रहा है तो वो मिल्कियत नाकिस मिल्कियत है, और बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है। आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहेगा। सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक भी कहां जाते हैं? चंद फुट जमीन के अंदर, बस वही आखिरी ठिकाना है, बाकी कोई चीज हमारी मिल्कियत नहीं। लहू मुल्क समावाति वल अर्द, उसी के लिए है आसमान और जमीन की मिल्कियत, बादशाहत। यही वो युमीत, वो जिंदा करता है, वो मौत देता है। और कल हम पढ़ चुके हैं, अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है, मुकर्रर किया है, तुम नहीं हो मौत के मालिक। हुवा युही व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है, हर हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। हुवल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। हुवल अव्वल, वही अव्वल है, सबसे पहले, क्योंकि अगर उससे पहले कोई होता तो फिर वो खालिक ना होता, फिर वो मखलूक होता। तो चूंकि वो खालिक है तो वही अव्वल है। वल आखिर, और आखिर भी वही है। हर चीज फना हो जाएगी लेकिन वो उसके बाद भी होगा। कुल्लु मन अलैहा फान, लेकिन हर चीज की फना के बाद भी वो बाकी रहेगा। वज़ाहिरु, और जाहिर है अपनी कुदरत के साथ, अपनी अलामात के साथ, जो भी उसने तखलीक किया। हर चीज खालिक के ऊपर गवाह है कि इसका कोई पैदा करने वाला है। वल बातिनु, और बातिन है अपनी जात के एतबार से छुपा हुआ है। ला तुद्रिकुहुल अबसार, कोई उसको देख नहीं सकता। उसकी हकीकत जात जो है वो सबसे मख्फी है। अकल निगाह हवास, कोई चीज उसका इहाता नहीं कर सकते। लैसा कमिथलिही शय, किसी चीज से मिसाल दे के समझ समझा भी नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बिस्तर पर जब होते तो एक दुआ पढ़ा करते थे। उस दुआ में आप अल्लाह सुबहान तआला की इन्हीं सिफात का जिक्र करते हैं और इन सिफात के माने भी बता देते हैं। लिहाजा बेहतरीन वजाहत जो है वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है।
और ये दुआ आपने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा को भी पढ़ने की ताकीद की थी, तो हजरत फातिमा की पैरवी में आप भी पढ़ना सीख लें। दुआ क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाहुम्मा रब्ब السماوات السبع, ए अल्लाह जो रब है सात आसमानों का, व रब्बुल अर्श العظیم, और रब है अर्श अजीम का, रब्बुना रब है हमारा, व रब्बु कुल शैइन, और रब हर चीज का, मुंजिल التورات والانجيل والفرقان, नाजिल करने वाला है तौरात इंजील और फुरकान का, फालिक الحب والنوى, फाड़ने वाला है दाने और गुटली को, اعوذ بك من شر كل شيء, मैं तेरी पनाह लेता हूँ हर चीज के शर से, انت اخذ بناصيته, जिसकी पेशानी तेरे हाथ में है, तू पकड़े हुए है, اللهم انت الاول فليس قبلك شيء, कितनी खूबसूरत वजाहत, ए अल्लाह तू ही अव्वल है, فليس قبلك شيء, तुझसे पहले कोई है ही नहीं, कितनी जामे अल्फाज में टू द पॉइंट वजाहत, वो अंत आखिर, और तू ही आखिर है, فليس بعدك شيء, तेरे बाद कोई चीज है ही नहीं, वो अंत ظاهر, और तू ही जाहिर है, فليس فوقك شيء, तेरे ऊपर कोई चीज नहीं। तो जाहिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ताबीर किया? ऊपर से, यानी तुझसे आगे कोई चीज नहीं, तुझसे ऊपर कोई चीज नहीं, तुझसे बड़ी कोई चीज नहीं, वो अंतल बातिनु, और तू ही बातिन है, यानी जो तेरी जात है वो बातिन है, फलई सदू न कशई उन, नहीं तेरे वरे कोई चीज, कोई पहाड़, कोई इंसान, कोई जबल, कोई शजर, कोई हजर तेरे आगे नहीं आता। आलिमुल गैबी व शहादा, दूना का क्या मतलब होता? वरे, सिवाय, यानी अगरचे अल्लाह सुबहानहू ताला हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो हमें हर जगह देखते हैं, कहीं भी हम छुप जाए वो देखते हैं, भले ही सा दूना कशे, कोई आड़ नहीं आती बीच में कि वो हमें देख ना सके। तो पहली दो सिफात जो है ये इसमें उमूमुल जमान है, अव्वल और आखिर, और दूसरी जो है उमूमुल मकान है, जाहिर और बातिन। और आप इसके आखिर में ये भी फरमाते थे, इक्दि अन्ना दैन व अग्निना मिन अल फकर, तो हमारा कर्ज चुका दे और हमें फकर से निजात दे, फकर से गनी कर दे। और ये अदायगी कर्ज के लिए भी मसनून दुआ है, यानी इस दुआ के बेशुमार फायदे, जिसमें हर शर से भी पनाह मांगी गई है अल्लाह की, फिर इसी तरह अल्लाह की ऐसी सिफात है, और इमाम इब्ने कसीर ने इस आयत को हजार आयतों से बेहतर करार दिया, क्योंकि मुसब्बिहात की एक आयत की बहुत फजीलत, और वो इसी आयत को करार देते हैं जिसमें अल्लाह सुभान व तआला की सिफात है। और फिर यह है कि आप खुद भी पढ़ते थे और अपनी बेटी को भी सिखाया, तो जो चीज इंसान अपने बच्चे को सिखाता है वो कैसी चीज होती है? बहुत ही कीमती चीज होती है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कीमती चीज अपने बच्चों को देते हैं, दुनिया के एतबार से भी, दीन के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी। तो ये दुआ अगर आपने हजरत फातिमा को सिखाई थी तो इस एतबार से भी बहुत बेहतरीन दुआ है। हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन, सूरत अल कसस में भी आता है, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल हम्दु फिल उला वल आखिरा, अव्वल आखिर हम्द भी उसी के लिए है, क्योंकि कुल शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उसकी जात के, वहुवा बिकुल शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानता है, हर चीज का इल्म रखता है। अब वो इल्म की बात पीछे मैंने की ना कि हमें भी कुछ इल्म है और अल्लाह को भी इल्म है, तो वो फर्क क्या है इस आयत से खूब वाज़े होगा, इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, ना जमीन में ना आसमान में। तो फिर किसी इंसान का इल्म उस जैसा है नहीं, उस जैसा है ही नहीं। और अल्लाह सुभान व तआला सिर्फ जाहिरी चीजों को नहीं देखते, वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, ख्यालात तक को वो जान लेते हैं, दिल में उठने वाले वसवसे, नियतें, इरादे, ख्वाहिशात, मोहब्बतें, नफरतें, बुग्ज, अदावत, हसद, सब पता है उसको, कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या है, किसके लिए, सब उसको इल्म है। वहुवा बिकुल शैइन अलीम, तो कुल शैइन में सिर्फ मादी चीजें नहीं है जिनको हम हाथ लगा के छू सकते हैं या देखने में नजर आती हैं,
बल्कि हर चीज का इल्म है उसके पास, और मखलूक में से किसी का इल्म भी वैसा नहीं, ना किसी फरिश्ते का। क्योंकि अगर आप मुमासिल करेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि जिब्रील जो है वो जानते हैं सब कुछ जो अल्लाह को पता है, तो ये क्या है? शिर्क है, नहीं जानते सब कुछ। कल हमने पढ़ा कि वो किताबे मकनून में है कुरान, और ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। अगर किताबे मकनून से मुराद लोहे महफूज हो तो लोहे महफूज तक तो सिर्फ अल्लाह की रसाई है, तो फरिश्ते फिर क्या करते हैं? तो आपने उलूमुल कुरान में पढ़ा होगा कि पहला नुजूल कहाँ हुआ था? लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, और वहां वो किसके पास है? बिअईदी सफरा किरामिन बररा फी सुहफ मुकर्रमा। ठीक है, तो उसका जो वहां से नुजूल फरिश्तों के पास हो गया, बस उसको हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, फरिश्ते जो हैं लोहे महफूज तक नहीं पहुंचते कि वहां से जाके खोल के अल्लाह की किताब पढ़ ले सब कुछ, और जो अल्लाह के इल्म है वो सारा उनके इल्म में आ जाए। नहीं, नो वे। वला युहीतून बिशैइ मिन इल्मिही इल्ला बिमाशा। और ये युहीतून सारी मखलूक के लिए आता है, सिर्फ इंसान नहीं है इसमें, फरिश्ते भी इसमें शामिल है, इंसान भी शामिल है, और बाकी भी सब शामिल है, जिन वगैरह भी। तो वो सिर्फ अल्लाह ही का इल्म है लोहे महफूज। फिर इसी तरह फरिश्तों के बाद इंसानों में से सबसे अफजल मखलूक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और मर्तबा किसके बराबर कर देते? अल्लाह के। दर्जा मर्तबा तो दूर की बात, इल्म भी आपका अल्लाह के बराबर नहीं है। अगर कोई ये समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज जानते हैं जो अल्लाह जानते हैं, ये शिर्क है। याद रखिए, ये शिर्क है। क्या ये सोचना, ये समझना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का हर राज जानते हैं? कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जब कभी आपने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू। बस वही जानता है। जहां तक किताब का ताल्लुक है तो क्या है कुरान? वमा कुंता तदरी मल किताब वलल्लीमा। आपको तो पता नहीं था, तो वो इल्म अल्लाह बराबर तो नहीं हुआ ना? आपको तो नहीं पता था किताब क्या होती, ईमान क्या होता है। एक जगह पर आता है ना सूरत अद्दुहा में, वजदका दालन फहदा। तो दाल का मतलब यहां गुमराह नहीं है, ला इल्म है। क्योंकि दलाल जो है वो ला इल्मी की बुनियाद पर होता है, तो ला इल्मी के लिए भी दलाल का लफ्ज आता है। ये जो आज आप बात कर रहे थे ना कि वल दालीन, तो तफसीर सूरत अल फातिहा में भी आपको बताया गया था कि जो मगदूब अलैहिम है वो इल्म की बुनियाद पर है, कि उन्हें पता है और फिर नहीं कुछ। और दालीन कौन है? ला इल्मी की बुनियाद पर। तो जहालत जो है सबसे बड़ी आफत है इंसान के लिए, सबसे बड़ा ऐब है। ऐब, गरीब होना कोई ऐब नहीं, किसी के पास माल नहीं कोई ऐब नहीं, कोई खूबसूरत नहीं कोई ऐब नहीं, किसी के पास दुनियावी कोई माल रुतबा जाहो जलाल कोई ओहदा हुकूमत नहीं कोई ऐब नहीं, लेकिन अगर इल्म नहीं ऐब है। बे इल्म होना, जाहिल होना ऐब है, खा दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो। इंसान की सबसे बड़ी जीनत इल्म है, और जितना जितना जिसका इल्म ज्यादा होता चला जाता है उतना उतना उसका मर्तबा बढ़ता जाता है। वल्लज़ीन उतुल इल्म दरजात, तो बस साबिकून साबिकून बनने के लिए ईमान इल्म अमल तकवा ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो बहरहाल वह हुआ बिकुल शैइन अलीम, वो हर चीज को जानता है, कोई और नहीं जानता उसके सिवा, कोई और सब नहीं जानता। और अपने गैब में वो किसी को शरीक नहीं करता, गैब का इल्म भी उसी के पास है। और जहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है तो वो अल्लाह सुबहानु ताला ने खुद दिया है। वह वजदा का दालन फहदा, उसने आपको बे इल्म पाया, ला इल्म पाया, तो आपको हिदायत दे दी। तो दाल का ऑपोजिट क्या है? हिदायत, और हिदायत रोशनी। युखरिजुहुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। और कौन है वो? हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम, वही है जिसने आसमानों को पैदा किया और जमीन को पैदा किया। अब उसकी मजीद कुदरत बताई जा रही है और उसका तारुफ कराया जा रहा है। फी सित्तति अय्याम, छह दिनों में। और ये दिन कौन से हैं?
अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि एक जगह आता है उसका एक दिन हजार साल के बराबर है, एक जगह पचास हजार के बराबर आता है। कुरान मजीद में तो हजार ही का आता है, लेकिन हम अपने एतबार से जो दिनों के नाम जानते हैं तो ये दिन अहद से जुमा तक है। अहद को अहद क्यों कहते हैं, यौमुल अहद किसको कहते हैं पता, संडे को, संडे इज यौमुल अहद, इसनैन मंडे को कहते हैं, सलासा ट्यूजडे, और अरबिया चौथा दिन वेडनेसडे, और खमीस थर्सडे, खमसा से, और फिर जुमा। तो ये सित्तत अय्याम के लिए कौन से छह दिन हैं, अहद से जुमा तक, और हफ्ते को सब्त कहते हैं, और सब्त का क्या माना होता है, अता करना। हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध़ फी सित्तति अय्याम, उन दिनों की लेंथ और वो सब हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। सूरत आराफ 54 में भी आता है, इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध़ फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने जमीन और आसमान को छह दिनों में पैदा किया। थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर मुस्तवी हुआ अर्श पर। और इस्तवा का जो माना है आम डिक्शनरी में, जब आम तौर पर इस्तेमाल होता है तो इस्तवा का माना इरादा करना भी होता है, इस्तवा इला, जैसे आते थुम्मा इस्तवा इला समाई, आसमान की तरफ, इरादा या कसद के मानों में आता है। और इसी तरह कुरान मजीद में इस्तवा का लफ्ज अला के सिला के साथ भी इस्तेमाल हुआ है, वस्तवत आलल जूदी, वो कश्ती टिक गई जूदी पर जाकर, सवारी के लिए आता है लितस्तवु आला जुहूरी, तो करार पकड़ने के लिए भी माना बनता है, और कश्ती का टिक जाना, करार पकड़ना, और फिर इसी तरह लितस्तवु आला जुहूरी के जानवर की पीठ पर चढ़ के बैठने के लिए भी आता है। लेकिन ये सारे मानी किसके साथ है, मखलूक के साथ है। जहां तक अल्लाह सुबहान तआला का इस्तवा है, हमें नहीं मालूम उसकी कैफियत। जैसे वे इमाम मालिक से भी रिवायत करते हैं ना कि उनसे किसी ने पूछा कि इस्तवा क्या है, इसका मतलब बताएं, तो उन्होंने कहा अल इस्तवा मालूम, इस्तवा मालूम है, वो लिखा हुआ जो वही है, वल कैफ मजहूल, कैसे ये नहीं पता, वसुआल अनहु बिदा, और ऐसी चीजों के बारे में सवाल करना, अमीन में करना बिदत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने एक दफा भी नहीं कोई रिवायत मिलती कि उन्होंने कभी ऐसा सवाल किया, अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जरा बताएं तो सही कि वो अल्लाह सुभान व तआला कैसे मुस्तवी हुए थे अर्श पर। नो वे, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सहाबा कराम इंतहाई समझदार लोग थे, अल्लाह ने उनको अपने नबी की सोहबत के लिए चुना था, ऐसे ही नहीं, उन्होंने न बेकार की बातें की और न बेकार की बातों के पीछे पड़े। तो जब हम फुम्मा इस्तवा अलल अर्श करेंगे, तर्जुमा क्या करेंगे, मुस्तवी हुआ अर्श पर, और इसकी तावील करना और अपने पास से इसको माने पहनाना दुरुस्त नहीं। इस्तवा का तर्जुमा क्या है, इस्तवा ही, और आमतौर पर इसको उलूब के मानों में लिया जाता है। फुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और अर्श क्या है, वो अजीम बुलंद तरीन मकाम जिस पर अल्लाह सुबहान तआला मुस्तवी है। कुर्सी की वजाहत तो पहले भी बता चुकी हूं, आयतल कुर्सी, और जिसमें कुर्सी का जिक्र आता है कि सातों आसमान और जमीन कुर्सी के सामने क्या है, जैसे एक बड़े सहरा में एक छोटा सा रिंग हो, क्या हैसियत है उस रिंग की, नजर आएगा किसी को, अगर आप ऊपर जहाज पर जा रहे हो और किसी डेजर्ट पर से गुजर रहे हो और उस डेजर्ट में एक छोटी सी रिंग गिरी पड़ी हो, कहीं मिलेगी, बाजू का तो होता ना कि आप हाथ से निकाल डाल रहे हो तो वो कहीं अंगूठी गिर जाती है और फिर आपको ढूंढना पड़ता है, हालांकि वो आप ही की कुर्सी के नीचे कहीं गिरी होती है, तो कहां एक डेजर्ट में। तो कुर्सी को अगर आप यानी डेजर्ट की तरह इमेजिन करें कि इतनी बड़ी जगह और उसके मुकाबले में सातों आसमान और जमीन और ये सब कुछ बस इतना सा, और अर्श के मुकाबले में कुर्सी की निस्बत भी यही है। फिर कुर्सी कितनी है अर्श के मुकाबले में, जैसे यही रिंग सहरा में, तो वो अर्श क्या है, कुछ ज़हन में आ सकता, ज़हन में भी नहीं आ सकता, उसकी वुस्सत और अजमत हम नहीं जानते। जब हम जानते ही नहीं तो किससे तशबीह देंगे। देखें, पहली बात तो ही कि जमीन आपकी कितनी है और उस पर जो कुछ आपको नजर आता है वो कितना है, तो किस चीज से आप कहेंगे कि वो अर्श इस जैसा है
یا اس کی طرح ہے، جبکہ کوئی ہے ہی نہیں چیز ویسی۔ تو اس لیے ایسی باتوں کی تفسیریں کرنا، معنی بیان کرنا اپنے پاس سے یا ڈکشنری کے لحاظ سے مطلب سے وضاحت کرنا یہ پاسبل نہیں۔ ثم مستوى على العرش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی، ہم نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا، اور یہ بیان اس کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ ہاں یہ آتا رب العرش العظیم، ذو العرش المجید، جیسے قرآن کے لیے مجید کا لفظ آتا ہے تو عرش کے لیے بھی آتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ جیسے بارش برستی تو پانی اندر جذب ہو کے چلا جاتا ہے، اسی طرح کیڑے مکوڑے اندر گھسے ہوئے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ زمین میں چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا وہ کہاں گھس گئے، وہ اپنے بلوں بلوں میں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح مردے کہاں کہاں دفن ہے، سب اس کو پتا، اوپر سے کیا کچھ گرتا ہے وہ سب جاتا ہے زمین کے اندر، سب اس کو پتا۔ اور بلوچ کس کو کہتے ہیں؟ تنگ جگہ جان۔ اسی طرح بیج وغیرہ جو آپ بونے کے لیے ڈالتے ہیں زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو اس میں سے نکلتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے کیا نکلتا ہے۔ درخت نکلتے ہیں، معدنیات وغیرہ نکالتے ہیں، پیٹرول اور گیس نکالتے ہیں آپ زمین سے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں زمین سے، تو ہر وہ چیز جو زمین کے اندر سے نکلتی ہے، خاص سونا چاندی ہے یا کچھ اور ہے، سب اس کو پتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، کیا کیا اترتا ہے؟ بارش، فرشتے، برکتیں، اور اسی طرح پہلے وہی اترتی تھی، اب نہیں اترتی، اس لیے میں نے آخر میں اس کا ذکر کیا۔ وما يعرج فيها، اور جو اس پہ چڑھتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے اوپر، کیا کیا جاتا ہے؟ ملائکہ جاتے ہیں، دعائیں جاتی ہیں، روحیں جاتی ہیں، بخارات جاتے ہیں، چیزیں بھاپ بن کے اڑتی ہیں۔ وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پرسنلی یا فزیکلی ساتھ ہے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو بات ہوئی کرسی کی، پھر اس کے بعد عرش کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، وہ اتنا بڑا عرش اور اتنے بڑے عرش کا مالک فزیکلی آپ کے ساتھ ہوگا اس تنگ زمین پر؟ ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ آگی میری بات؟ تو اس لیے یہ تو بالکل نا سمجھی کی بات ہے، اور عقل سے بالا بات ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے ساتھ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے علم کے ساتھ، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انت صاحب فی السفر، یعنی ساتھ، ساتھی کے معنوں میں۔ اور عربوں کے ہاں جو صحبت ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے ساتھ ہی لگے بیٹھے ہو، یعنی آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی دوست دور ہونے کے باوجود کیا ہو سکتا ہے؟ قریب ہو سکتا۔ اردو میں ایک شعر بھی ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو یا میرے ساتھ ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو کوئی ہوتا تو نہیں؟ تو وہ ایک احساس کی بات ہے نا، ایک قلبی تعلق کی بات ہے، قرب۔ اب ہم کہتے ہیں فلاں کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ تو مجھے اپنا قرب دے، تو قرب کا ضروری نہیں مانا کہ آپ ساتھ ہی لگ جائیں جا کے۔ ہاں قیامت کے دن جو اہل جنت ہوں گے، ان میں سے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، سابقون السابقون ہوں گے، ان کو جو اعلیٰ درجے جنتوں میں ملیں گے، وہ فزیکلی بھی قریب تر ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوں گے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں قریب ہوں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ کس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کس قدر سمجھدار خاتون تھی، ابھی تو تورات اتری بھی نہیں تھی۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ہم تو سارا قرآن پڑھ کے بھی ایسی دعائیں نہیں مانگتے، لیکن وہ خاتون، تبھی تو وہ ایسے ماحول میں تھی جو بالکل اپوزٹ تھا نا ان کے، کہاں فرعون جیسا شوہر ہو، اور پھر وہ ایسی دنیاوی ترقی کے ماحول میں جہاں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں اور دنیا کی چکا چوند اور بڑائیاں اور فخر معلوم نہیں کیا کچھ، اور ان رونقوں اور زینتوں میں اس اللہ کی بندی کو جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی، تو وہ پھر جب ایمان دل میں آتا ہے نا،
तो ही ऐसी बातें जबान से निकलती, फिर किसी को सिखानी नहीं पड़ती। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह खुद ही सिखा देगा। फिर ऐसी बातें, हिकमत अल्लाह जिसको चाहता है देता है ना, युतिल हिकमत मन यशा, ये हिकमत की बातें होती हैं जो तकवा वाले दिल से निकलती हैं, जिसके दिल में अल्लाह का डर और खशियत होती है। तो उसने दुआ मांगी थी कि मुझे फिरौन और ये इसके महल और ये दुनिया की रौनकें और जीनतें ये नहीं चाहिए। रब्बि इब्निली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे, यानी करीब तरीन जन्नत में मेरा घर हो। वनजिनी मिन फिरौन व अमलिही वनजिनी मिन अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन वहुवा माअकुम अयनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। और फिर ये है कि अरबों के यहां ये मुहावरा आम इस्तेमाल होता है कि मायत का जो तसव्वुर है वो बौद के साथ भी है। मसलन वो कहते हैं मा ज़िलना नसीरु वल क़मरु माना, मा ज़िलना नसीरु, जब तक हम चलते रहे, वल क़मरु माना, चांद हमारे साथ ही रहा, चांद ने हमारे साथ साथ ही सफर किया। कभी आपने गाड़ी पे सफर किया और तो आपको ऐसा ही लगता है ना, चांद साथ जा रहा है, तो साथ थोड़ी होता है वो, तो पता नहीं कहाँ होता है। तो आप कहते हैं ना साथ है, तो वो कौन सा साथ है? ये साथ का लफ्ज किसके लिए बोल रहे हैं आप? यानी कि वो एक जो एहसास है, उसके वजूद का जो एक एहसास है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वहुआ माअकुम अयना माकुंतुम, वरना अल्लाह सुबहान व तआला की जात और हम इंसान, हम उसको साथ साथ लिए पर है? ये क्या बात है? उसकी जात जो है हिजाबुहु नूर, उसका हिजाब क्या है? नूर। हदीस में आता है लव कशफहु, अगर वो उसको खोल दे तो हो क्या? लअहरकत, अलबत्ता जला दे, सुबहातु वजहिही, उसके चेहरे का जलाल, मनतहा इलैही बसरहु मिन खल्क़िही, जहां तक उसकी निगाह का एंड हो उसकी मखलूक में से, यानी उसकी मखलूक उसकी निगाह की वसत तक सारी जल जाए। अल्लाह की जात कोई मामूली चीज नहीं है। हम अगर उसकी अजमत को नहीं पहचानते, उमा कदरुल्लाह हक कदरी ही, तो इसका यह मतलब नहीं जो फिर हमारे दिल में हम बोले चले जाएं और जो सुने वैसे ही यकीन कर लें। उसकी कदर पहचाने, उसकी अजमत को पहचाने कि अगर उसके चेहरे की चमक या उसके चेहरे का जलाल जो है वो सामने आ जाए तो हर चीज जल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शौक जाहिर किया था कि अल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूं आपको, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नहीं, ये नहीं हो सकता। वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर पहाड़ अपनी जगह रह गया ना तो फिर तुम मुझे देख लोगे। तो क्या हुआ था? मूसा बेहोश हो गए और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। जब आप नमाज पढ़े ना या कोई भी अल्लाह का जिक्र करे तो ये जो अर्श और उसका नूर और इन चीजों को थोड़ा सा दिल में ला के फिर किया करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नमाज दुआ हर चीज की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हमारे दिल में वो अजमत वो बड़ाई है ही नहीं, हम हर वक्त दुनिया और मखलूक की अजमतों में घिरे हुए हैं। ये बड़ा है और वो बड़ा है और ये चीज बड़ी है और ये ग्रेटेस्ट है और वो ग्रेट है, उससे आगे उठे ही नहीं हम, क्योंकि इल्म नहीं है ना, पहचान ही नहीं है, फिर एहसास क्या हो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जो हदीस मैंने पढ़ी है अभी आपके सामने। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, वो अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल देखता है, सब देख रहा है तुम कर क्या रहे हो, सारा दिन कहां गुजारते हो, लोगों के सामने क्या करते हो, छुप के क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, कहां भाग के जाओगे, कहां छुपोगे, क्यों नहीं पलटते उसकी तरफ। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की। दोबारा तकरार है ताकीद के लिए, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे सारे के सारे मामलात, खास हो या आम हो,
दीनी हो या दुनियावी हो, सब उसी की तरफ लौटते हैं। क्यों? इसलिए कि मालिक वही है ना, और उसके सिवा बाकी मखलूक की मिल्कियत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यमलिकून मिसकाल जर्रतिन फिस समावाती वला फिल अर्दी। वो एक जर्रे के भी मालिक नहीं। जर्रा क्या होता है? एक एटम। अल्लाह के सिवा बाकी मखलूक जो है वो एक एटम की भी मालिक नहीं है, ना आसमानों की ना जमीन की। क्या है किसी के पास? किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई इख्तियार है और ना कोई ताकत है और ना कोई कुदरत है। लिहाजा ना किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी से ऐसी उम्मीदें वाबस्ता करने की जो दरअसल अल्लाह से की जानी चाहिए। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। और फिर यह है कि चले पूरे मालिक नहीं तो शायद कुछ शराकत ही हो, पार्टनरशिप हो सकती है। बास चीजों के आप मालिक नहीं होते लेकिन आपकी उसमें कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, भी हम मालिक नहीं है लेकिन हमारी उसमें हम शेयर होल्डर हैं, पार्टनर हैं उसमें, तो ये भी बड़े ऑनर की बात होती है भी इतनी बड़ी कंपनी का कोई शेयर होल्डर। लेकिन अल्लाह ने आसमान और जमीन के एक जर्रे का शेयर भी नहीं दिया आपको, जर्रे जितनी चीज पर भी आपको इख्तियार नहीं दिया कि अच्छा ये आप कर लें, ये आपका है। वमा लहुम मिनहुम मिन ज़हीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। लिहाजा सब काम, सारी रिपोर्ट्स उसी के पास जाती हैं, सारे अमाल उसी की तरफ चढ़ते हैं, फैसला भी उसी ने करना है, किसी के हाथ में कुछ नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं बचा सकता, सब उसी का है, उसी की तरफ चाहे उसी की तरफ जाएगा। यूलिजुल लैल फिन नहार। ये भी इतनी बड़ी निशानी है, वो दाखिल करता रात को दिन में, वो यूलिजुन नहार फिल लैल, और वो दाखिल करता है दिन को रात में। रोज तब्दीली होती, हर रोज ये सब नक्शा पलटता है। वहुवा अलीमुम बिदातिस सुदूर। और वो जानता है सीनों के राज, सीनों के भेद। असल में अल्लाह सुभान व तआला की ये सारी सिफात इसलिए बयान हो रही हैं कि हमारे दिल के अंदर नंबर एक उसकी अजमत और जलाल का एहसास पैदा हो, नंबर दो ये कि हम हकीकी मानों में फिर उसकी इबादत करें और उसका डर पैदा हो और हम गलत आमाल से बचें। अगर ये कहा कि वह हुआ माकुम तो इसका मतलब है वो जानता है, देखता है, कहीं भी तुम उससे भाग नहीं सकते। तो हम अपने अमल में तब्दीली पैदा करें, ना कि हम सिर्फ बहसों में पढ़ के असल मसले को भूल जाएं। तो असल मसला क्या है? कि हम उससे छुप नहीं सकते, वो हमारे दिल के अंदर के हाल भी जानता है। और दिलों का असल मसला क्या है? कि उनमें दुनिया की मोहब्बत रची बसी हुई है। और जब हम लफ्ज दुनिया बोलते हैं तो उससे मुराद क्या चीज होती है? सिर्फ सोना चांदी नहीं, जो कुछ भी दुनिया में। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनल ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। अब इसमें दो चीजें मैं पीछे बता चुकी, सिर्फ रिविजन जरूरी है थोड़ी सी, क्योंकि अधूरी बात रहेगी तो फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो। क्या इन चीजों से मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, या इन चीजों की मोहब्बत की कोई लिमिट है या हद है, या ये कि मोहब्बत आपके इख्तियार में है या नहीं है? पहली बात तो ये कि हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतियत है, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। लेकिन कोई मोहब्बत बुराई कब बन जाती है, या किसी भी चीज की मोहब्बत बुराई कब बन जाती है? मसलन माल की मोहब्बत कब खैर है और कब शर है? कब खैर है माल की मोहब्बत? जब वो नेकी के कामों में लगे। हजरत अबू बकर बिजनेस करते थे, मालदार थे, हजरत उस्मान मालदार थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार थे, क्या उनके माल ने उनको कोई नुकसान दिया, या वो माल उनके लिए शर था? बहुत खैर था। इसी तरह औलाद की मोहब्बत, ये भी एक फितना है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। माल और औलाद अगर अल्लाह के कुर्ब का जरिया हो तो खैर, माल और औलाद अगर अल्लाह से दूर करने वाले हो तो शर। ये एक मीजान है। इसी तरह कोई भी चीज, कोई इंसान हो, कोई काम कारोबार हो, हर चीज की मोहब्बत
अगर अल्लाह से करीब करने वाली है तो खैर, और अगर इंसान को बेकार करने वाली है और अल्लाह से दूर करने वाली है तो शर। ये एक मीजान है। मोहब्बत बुरी चीज नहीं है। आपके पास मीजान मोहब्बत होना चाहिए। जैसे बुखार नापने का एक आला होता है ना, लगा लगा के देखते रहते हैं टेम्परेचर, अपना भी टेम्परेचर चेक करते रहा करें कि किसी चीज की भी मोहब्बत, चाहे वो कोई काम हो या इंसान हो या कोई मादी चीज हो, कुछ भी हो, उसको परखने का आला क्या है, क्या ये चीज अल्लाह के करीब कर रही है या अल्लाह से दूर कर रही है, नेकी के रास्ते पर चलने में मददगार है या और बेकार कर रही है, या नेकी के काम से दूर कर रही है। तो हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर करे, नेकी के कामों से दूर करे, उसकी मोहब्बत शर, वबाले जान, और जो करीब करे वो खैर। वहुआ अलीमुम बिदातिस सुदूर। तो असल इसका टेम्परेचर किसको पता है फिर, कौन सी चीज इंसान के अंदर कितनी डीप रूटेड है और क्यों है, और उस उब्बत से और उस जज्बे से वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहा है या अल्लाह से और दूर जा रहा है, इसकी भी असल हकीकत उसी को पता है। तो हमारे नियतें, इरादे, ख्वाहिशात, अकायद, सोचें, वसवसे, सब उसको पता है। आमिनु बिल्लाही, ये सारी सिफात बयान करके क्या फरमाए, आमिनु बिल्लाही, अल्लाह पे ईमान ले आओ, मान जाओ उसको, मानते क्यों नहीं, व रसूल ही, और उसके रसूल को, आमिनु बिल्लाही व रसूल ही, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व अनफिकू, और खर्च करो, मिम्मा मिम्मा, उसमें से जो, या वो जो, जअलकुम, उसने बना दिया तुमको, क्या, मुस्तखलफीन फीही, जानशीन बनाए हुए उसमें, यानी जिस माल का अल्लाह ने तुमको जानशीन बना दिया, जिस माल के अंदर तसर्रुफ का अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दे दिया, और सिर्फ माल नहीं बल्कि सारी वो चीजें जिनके ऊपर अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, मसलन माल, औलाद, उम्र, अकल, ताकत, जहानत, कोई खास स्पेशल सलाहियत, इनको क्या करो, ईमान लाकर खर्च करो। अब यहां पर फी सबीलल्लाह की बात नहीं आई, सिर्फ ये कहा गया है खर्च करो। कुछ चीजें तो खुद ही खर्च होती जा रही हैं, जैसे उम्र, वक्त गुजरता ही जा रहा है, लेकिन जब हम उसे खुद गुजारते हैं तो फिर कैसे करेंगे, फिर खैर भलाई खूबी के काम में, तो फिर वो इन्फाक फी सबीलल्लाह हो जाएगा। इसी तरह हमारा माल, हमारी औलाद, हमारे अंदर जो ताकतें सलाहियतें अल्लाह ने रखी, उन सब को जंग ना लगाओ, उनको क्या करो, इस्तेमाल करो, जाया ना करो। क्योंकि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ने गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल किस्म की सलाहियतें दे रखी होती हैं, कुव्वतें दे रखी होती हैं, या माल दे रखा होता है, या कोई और सहूलत दे रखी होती, और वो उसकी कदर ही नहीं पहचानते, उसको खर्च ही नहीं करते, उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, उसे किसी काम लगाते ही नहीं। कुछ लोगों के पास जिस्मानी कुव्वत ज्यादा होती है, कुछ के पास जहनी कुव्वत ज्यादा होती है। अब अगर अल्लाह ने किसी को जिस्मानी कुव्वत दे रखी है तो उसका क्या काम है, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, कोई काम काज ना करे। अगर किसी के पास जहनी कुव्वत ज्यादा है तो वो जहन को बेकार की बातें सोचने में इस्तेमाल कर दे बस, और बेकार की बातें करने में खर्च कर दे, और उससे कोई कारामत काम ना ले। तो अनफिकू, लगा दो, खपा दो, मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी। और ये जो मुस्तखलफ का लफ्ज है, ये भी बड़ा मानी खेज है। मुस्तखलफ का लफ्ज जो है ये खल्फ से है, खलीफा जिससे होता है, जानशीन। तो क्या मतलब है कि जो चीजें वक्ती तौर पर तुम्हारे पास है, अमानत के तौर पर, हमेशा के लिए नहीं है, जल्द चली जाएंगी हाथ से, उम्र भी, माल भी, औलाद भी, अकल ताकत, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से ऐसे चला जाता है, ओह पता ही नहीं चला, सब चला गया, बच्चे चले जाते हैं, माल चला जाता है, खर्च हो जाता है, अच्छे काम में नहीं लगाएंगे, कहीं और लग ही जाएगा ना। इसी तरह बाकी सलाहियतें भी। तो मुस्तखलफीना का मतलब यह कि हम मालिक नहीं है,
हम क्या हैं? जानशीन हैं। टेम्परेरीली हमें इस्तेमाल करने के लिए दी गई है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किसी के घर को रेंट आउट करे तो क्या है वो उसमें कुछ अरसे के लिए, अब अगर वो ना रहे उसमें तो ना रहे किराया देता रहे, लेकिन हमेशा के लिए वो उसका मालिक नहीं बन सकता। तो हम इस दुनिया में एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और जो जो कुछ हमें मिला है ना इसके मालिक हम नहीं, मालिक अल्लाह है, ये हम इस्तेमाल करने के, अब अगर हम उसको नहीं करते तो फिर क्या है, अपने ही नुकसान करेंगे। फल्लदीना आमनू, और फिर आप देखिए कि ये जो बात हो रही थी ना कि थोड़े दिनों के लिए, इसके बारे में हदीस भी है, आपने फरमाया इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा के फना कर दिया, खत्म कर दिया, वो जिसे पहन के पुराना कर दिया, और वो जो अल्लाह के रास्ते में देकर आखिरत के लिए जखीरा कर दिया, इसके अलावा जो कुछ है वो सब दूसरों के हिस्से में चला जाएगा। आज तुम्हारी मिल्कियत है, कल किसी और की चला जाएगा, वो तुम्हारा नहीं है। तो फिर आपने देखा होगा कि जो माल इंसान औलाद के लिए छोड़ जाता है, अगर खुदा न खास्ता औलाद की तरबियत ठीक ना हो तो वो माल उनको मजीद बिगाड़ने के काम आता है, मजीद फितना और फसाद, क्योंकि माल मुफ्त होता है ना, बगैर मेहनत के हासिल किया होता है, उसकी कदर भी नहीं होती, वो उनकी दुनिया और आकिबत को और खराब करने वाला होता है। तो इसलिए जो अपने हाथ से दे गए, जो खुद खर्च किया, तुम्हारे लिए वही फायदेमंद है, और जो तुमने बचा के रखा दुनिया के लिए रखा, वो यहीं रह जाएगा और वो औरों की मिल्कियत में चला जाएगा। फिर फरमाया फल्लदीना आमनू मिनकुम, पस वो लोग जो तुम में से ईमान लाए, वह अनफकू, और उन्होंने खर्च किया, लहुम अजरुन कबीर, उनके लिए है अजर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कबीर फाइल के वजन पर है। नहीं, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है ना, आप यू समझे कि उसकी प्राइस आप पे नहीं कर सकते, उसको वापस लाने के लिए आपके पास कोई माल नहीं कि आप उसे खरीद सके। आपको जो सलाहियतें मिली हैं वो भी आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते थे, अल्लाह ने दी। अगर इंसान इन चीजों की कीमत नहीं पहचानता और इनको फजूल चीजों में लगा देता है तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, और जो इनको सही जगह लगा जाए, इस्तेमाल कर जाए, उसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा प्रॉफिट उसने कमा लिया। फिर फरमाया वमा लकुम, क्या है तुमको, और ये अंदाज क्या होता है ये कहने के लिए कि क्या रुकावट है, क्या मुश्किल है तुम्हारी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ला तुमिनून बिल्ला, अल्लाह पे ईमान ही नहीं लाते हो। अब हम तो कहते हैं भाई हम तो ला चुके हैं, नहीं नहीं ये ईमान नहीं है, सही वाला ईमान लाओ, असली ईमान लाओ। वर रसूल या दुहुकुम, और रसूल तुमको बुला रहे हैं, लितुमिनु बिरब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, पहले अल्लाह कहा यहां पर रब कहा, रसूल तुमको दावत दे रहे हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अपने रब को मान जाओ। वकद अखद मीसाकुम, और तहकीक वो तुमसे पक्का अहद ले चुका, कौन, अल्लाह, कब, वादा अलस की तरफ इशारा है। सूरत अल-माईदा आयत 7 में आता है वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाकहु अल्लज़ी वासक़कुम बिह इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना, अपने ऊपर अल्लाह के फजल और उसके मीसाक को याद रखो जो उसने तुमसे लिया, और तुमने समिअना और अताना कहके इसका इकरार कर रखा है। लेकिन बाज ने इससे मुराद पैगम्बर का मीसाक लिया, जिनमें इमाम इब्ने कसीर भी शामिल है, और इससे मुराद वो बैत लेते हैं जो आप सहाबे कराम से लिया करते थे समा इताअत की। रसूल तुम्हें बुला रहा है कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, हालांकि रसूल तुमसे पक्का वादा भी ले चुका है, किसका, इताअत का, कि तुम उसकी बात मानोगे। क्या समझ में आई बात, दोनों मफहूम समझ आए कि नहीं आए? अगर इसका फाइल अल्लाह को करार दिया जाए तो माना क्या होगा, वादा रस होगा, और उसमें भी समय ना व अताना पाया जाता है, और सूरत अल-माईदा आयत 7 में वो आता है। और अगर इसका फाइल रसूल हो तो इससे मुराद वो बैत है जो इस्लाम लाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से लिया करते थे, किस बात पर, इताअत पर, कि हम हर हाल में आपकी इताअत करेंगे, खुशी में, गमी में,
अच्छे हाल में, मुश्किल हाल में, हर हाल में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लफ्ज मिसाक इस्तेमाल हुआ, पर अहद भी आता है, एक अक्द भी होता है, बैत भी होती है, हलफ भी होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। अहद जो होता है वो वादा, दोस्ती, अमान और इन चीजों के लिए आता है, और ये दो तरफा होता है। और मुआहिदा जो पैक्ट होता है वो दो या दो से ज्यादा इंसानों या तंजीमों के दरमियान होता है, कुछ उसूल और जवाबित पर। अहद और मुआहिदे में ये फर्क है। अहद जो है ट्रस्ट है और मुआहिदा पैक्ट है। फिर मिसाक जो होता है वो पक्का वादा, जिस पर कोई कसम वगैरह खाई गई हो या उस पर कोई यानी उसे लिखकर किया गया हो। वसाक असल में रस्सी को कहते हैं और रस्सी बांधने के काम आती है, यानी खूब कस के पक्का बांधा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जिसको आमतौर पर कहते हैं। इसी तरह अक्द होता है, अक्द एग्रीमेंट को कहते हैं, जैसे अक्द निकाह एक एग्रीमेंट होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। इसी तरह बैत होती है, एक बैत भी एक अहद ही होता है, लेकिन वो कौन सा अहद होता है जिसमें निगहदाश्त होती है। निगहदाश्त का क्या माना होता है, जिसकी केयर करना मकसूद होती है, कि इस वादे को जेहन में हाजिर रखना जरूरी होता है कि मैंने वादा किया हुआ है, यानी जिसमें अमीरुल मोमिनीन या किसी अमीर से अहद किया हो उसकी इताअत का। इसी तरह हलफ, कसम खा के जब कोई अहद किया जाता है, अमूमन अरब जो थे वो दो कमायल आपस में कसम खा के दोस्ती कर लेते थे। तो कसम जो होती है वो अल्लाह के नाम की होती है, नजर भी होती है, ये भी एक अहद होता है, और एक वादा, वादा ही होता है किसी बात की उम्मीद दिलाना या किसी। वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम, और मीसाक से मुराद यहां समा वतात का वादा है, इन कुंतुम मोमिनीन। तो मफहूम क्या हुआ इस बात का फिर, कि लोगो अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ और जिन चीजों का उसने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया है उनको सही रस्तों पर खर्च करो, काम किया करो, बेकार ना बैठो। और क्या है तुमको, तुम ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुमको पुकार रहा है कि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ, और उसने तुमसे अहद भी लिया था, बैत भी ली थी, अगर तुम मोमिन है तो ये बात मानो। तो इससे मुराद फिर शौरी ईमान है, अगर फाइल रसूल हो तो फिर ईमान कौन सा, शौरी ईमान। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, वो अल्लाह वो जात है जो अपने बंदे पर वाज़े आयात नाजिल करता है। आयात यानी कुरान के अहकामात, बय्यिनात रोशन, वाज़े यानी उसमें कोई झोल नहीं, पिछली कौमों के वाकयात हैं, कवानीन हैं, कुछ चीजों के करने या कुछ के ना करने का हुक्म है, ये सब समझ में आने वाली बातें। किस लिए नाजिल करता, लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो निकाले तुमको किससे, अंधेरों से, और कहां ले जाए, नूर की तरफ, रोशनी की तरफ। अब अंधेरे किसके हैं, कुफर के, जहालत के, और नूर क्या है, ईमान का, इल्म का, अमल साले का। तो आयात बय्यिनात से मुराद फिर कुरान ही है। तो कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, कि लोग दलाल से निकलकर हिदायत की तरफ आए, अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आए। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह तुम पर बहुत ही शफकत करने वाला, निहायत मेहरबान है, इसलिए वो तुम्हें रोशनी की तरफ लाना चाहता है, इसलिए तुम्हें अंधेरों से निकालना चाहता है। वमा लकुम, और क्या है तुमको, अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, क्या मुश्किल है तुम्हारी, अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं देते, नहीं देते तो ना दो। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं, अल्लाह के लिए आसमान और जमीन की मीरास। और मीरास क्या होती, बगैर खरीदो फरोख्त, मेहनत किए, बगैर हिबा किए, बगैर किसी को तोहफे हदीये में दिए, किसी की मिल्कियत का दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाना। और ये आमतौर पर कब होता है, मौत के बाद, मतरू का माल मैयत। मीरास होती है बिला इवज, बगैर मुशक्कत किसी चीज का मालिक बनना। मरने वाले का जो बाकी मानदा माल होता है मीरास होती है, उसकी इर्स या विरासत। तो बात यह है कि सब खत्म हो जाएंगे और हर एक का माल और हर एक की चीजें किसके लिए बाकी रह जाएंगी, अल्लाह के लिए, वही असल मालिक। मसलन अगर माँ बाप मरते हैं तो उनके बच्चे वारिस होते, फिर एक वक्त आता है कि बच्चे भी फौत हो जाते, फिर
उनके बच्चे उनके 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 उनके, तो एंड पे कौन रह गया? इन्ना नहनु नरिसुल अर्दा वमन अलैहा, हम ही वारिस होंगे जमीन के और जो उस पर है, वो सब चीजों के। सबकी मिल्कियतें झूठी हैं, वक्ती हैं। यानी इतना जबरदस्त तरीके से मोटिवेट किया गया ना, पहले कहा खर्च करो, फिर कहा क्या है तुमको, क्यों नहीं करते अभी तक, क्यों नहीं किया, झंझोड़ है। अच्छा नहीं करते, वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द, सुन लो सब छोड़ जाना है अल्लाह के पास, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। तुम खुद नहीं देते, अल्लाह खुद ले लेगा, खुद ही उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। और बात यह है कि असल बचता वही है जो अल्लाह के पास चला जाता है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाही बाक, ला यस्तवी मिनकुम, नहीं बराबर हो सकते तुम में से। मन अनफक मिन कबल अल फतह, जिसने खर्च किया फतह से पहले। कौन सी फतह? फतह मक्का या सुलह हुदैबिया? उससे पहले, क्योंकि मक्का फतह हुआ तो फिर तो बहुत लोग मुसलमान हो गए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने माल भी खर्च किया। लेकिन वो लोग जो खास तौर पर हुदैबिया से पहले माल खर्च कर चुके थे, वो और जो उसके बाद या मक्का फतह होने के बाद जिन्होंने खर्च किया, वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों क्यों बराबर नहीं हो सकते? इसलिए कि इससे पहले का सब दौर कुर्बानियों का दौर था, और इसके बाद इस्लाम एस्टेब्लिश हो गया था, फतह हो गई, कामयाबी हो गई, मिशन मुकम्मल हो गया। देखिए कि जब जरूरत हो और कोई ना दे, या जरूरत के वक्त आपको अगर कोई थोड़ा सा भी दे दे, तो वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और जब सब कुछ आपको मिल जाए तो फिर कोई आकर दे, तो वक्त गुजर चुका होता है। तो इसलिए क्या फरमाया? वो बराबर है ही नहीं जिन्होंने फतह से पहले खर्च किया और जिन्होंने फतह के बाद खर्च किया। वकातला, और जंग की, यानी ना माल खर्च करना और ना ही जंग करना बराबर है। यानी उसके बाद मसलन बहुत सी जंगें हुई, बहुत इस्लाम फैला, लेकिन जिन लोगों ने बदर में शिरकत की थी और उहद में शिरकत की थी, ग़ज़वा खंदक में शिरकत की थी, ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा जब हुआ था, उनकी कुर्बानियां एक तरफ और बाद के अदवार में शिरकत करने वालों की कुर्बानियां दूसरी तरफ। इमाम अहमद ने हजरत अनस से रिवायत की है कि एक मर्तबा खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े में हजरत खालिद ने हजरत अब्दुर्रहमान से कहा, तुम लोग अपनी पिछली खिदमात की बिना पर हमसे दू की लेते हो, यानी आगे बढ़ जाते हो, यानी तुम हम पर एक तरह से अपनी बड़ाई जताते हो। ये बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम लोग यानी बाद वाले उहद के बराबर या पहाड़ों के बराबर भी सोना खर्च करो, तो इन लोगों के अमाल को न पहुंच सकोगे। इसीलिए आप देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नेकियां हैं, यानी एक रात की जो कमाई है वो हज़रत उमर की सारी जिंदगी के बराबर है। और इस लिहाज से भी कि पहले उन्होंने लब्बैक कही थी, सबसे पहले मर्दों में मुसलमान हुए थे। तो नेकी का मौका आते ही उसको कर जाना, और फिर जब सारे करने लगे तो उनसे इन्फ्लुएंस होके करना, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें, ये बराबर नहीं है। तो फरमाया, उलाई का आजम दरजतन, वो ज्यादा बड़े दर्जे वाले हैं। कौन ज्यादा बड़े दर्जे वाले? जिन्होंने पहले शुरू में काम किया, क्योंकि उस वक्त इस काम के साथ कोई रौनक नहीं थी, कोई कामयाबी नहीं थी, जो भी खर्च करना था बस अल्लाह ही के लिए करना था, और उसमें दुनियावी तौर पर किसी किस्म का कोई नफा हासिल नहीं हो सकता था। फरमाया, उलाइक आज़मु दरजतन मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बादु वक़ातलू, उन लोगों से बढ़कर हैं दर्जे में जिन्होंने बाद में खर्च किया और बाद में जंग लड़ी। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने हर एक से अच्छा वादा किया। ये नहीं कि बाद में करने का कोई सवाब नहीं, बाद में करने का भी सवाब है, लेकिन ये बात वाज़े है कि सहाबे कराम के दरमियान दर्जात का फर्क है। जैसे पिछली सूरत में साबिकून और असाबुल यमीन की बात है, तो उसकी ये अमली मिसाल है, उसकी मजीद वजाहत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो मेरे सहाबी के खर्च किए हुए एक मुद्द बल्कि निस्फ मुद्द के बराबर भी नहीं।
ये متفق علیہ روایت ہے. مد کیا ہوتا ہے؟ ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے گندم کو ناپتے ہیں، یعنی وہ ایک ڈھائی سیر کا ہوتا ہے، کتنے کا، اس کے برابر یا اس سے آدھا بھی وہ خرچ انہوں نے جو کیا، وہ تمہارا احد پہاڑ بھی اس کے برابر نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس موقع کی مناسبت سے کیا کر رہا ہے. اور یہ جو انفقو کی بات ہے نا، تو اس میں یہ کوئی لمٹ نہیں بتائی، پورا کرو یا آدھا کرو، کتنا کرو یا کتنا نہ کرو، جو مصلحت اور ضرورت ہو اس کے مطابق کرو، کیونکہ ہر وقت کی ضرورت مختلف ہوتی. مثلا جنگ تبوک کی ضرورت مختلف تھی، اس میں حضرت ابو بکر سارا مال اٹھا کے لے گئے تھے، حضرت عمر آدھا لے گئے تھے. تو جو جو حالات تھے، جیسی جیسی ضرورت تھی، تو اصل چیز خرچ کرنے میں کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے اور کتنی ہے اور حالت کیا ہے جس وقت وہ خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بات کہی نا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، گویا اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے قربانی کی سطح پر دین کو لیا ہوتا ہے. تو ایمان کی مضبوطی اور اخلاص اور خشوع ہر چیز زیادہ ہوتی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو باخبر ہے، سب جانتا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. من ذا الذي، کون ہے وہ جو، کہاں ہے وہ جو، يقرض الله، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فيضاعفه له، پھر وہ بڑھا کر دیتا ہے اس کو، اس کے لیے، دینے والے کے لیے زیادہ کر کے لوٹاتا ہے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے اجر ہے بہت عمدہ، بہت اچھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالی اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں. ہے کوئی جو مجھے قرض دے؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے قرض کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اللہ کے بندے جو خالصتاً اللہ ہی کے لیے اپنا مال خرچ کریں اللہ کی رضا میں، اسے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. اور قرض کا لفظ خاص طور پر غور کرنے کے قابل ہے. نمبر ایک، قرض جس کو دیا جاتا ہے وہ اسی کے ذمہ ہوتا ہے، اسی کے لیے دیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی جو مال، جو چیز آپ کسی کو بطور قرض دیتے ہیں، تو وہ واپس لوٹانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اسی کی. تو اس میں زیادہ یقینی بات ہے نا. مثلا اگر آپ کوئی چیز ویسے ہی دے رہے ہیں کسی کو جس کو واپس نہیں لینا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لے لے، کوئی اور لے لے، کئی اس میں شریک ہو جائیں، واپس نہ ملے، کیونکہ آپ نے واپسی کی نیت سے دی نہیں. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں تو اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ گن کے، اور یعنی ایک سپیسیفک اماؤنٹ، اور پھر ایک سپیسیفک پرسن کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ٹائم بھی ہوتا ہے، اور پھر واپسی کی شرط لازم ہے اس میں. تو اس میں اللہ کو قرض دینے میں پھر دو چیزیں خاص طور پر اہم ہیں، کہ وہ اللہ ہی کے لیے دیا جائے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اس طرح وہ مال جو بطور قرض دیا جائے گا وہ ریاکاری سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی اور شریک ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں مراد قرض سے وہ صدقہ ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جو صرف اسی کے لیے ہے جس کو دیا جا رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور پھر واپسی بھی اسی کی طرف سے ہوگی، اور یہ اس کے ذمہ ہو گیا، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور پہلے کی نسبت بھی دوسری بات زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ ایسا مال لازمن یقیناً واپس ملے گا. مثلا آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو لوٹائے، اگرچہ پسندیدہ اس میں کیا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی لوٹائے، یا اچھا لوٹائے یا بہتر لوٹائے، لیکن قرض تو لوٹانے ہی کے لیے ہوتا ہے.
तो लोगों, जो माल तुम खालिसतन अल्लाह के लिए खर्च करोगे, अल्लाह उसका बदला, उसकी जजा, उसका सिला यकीनी तौर पर तुमको वापस करेगा, लौटाएगा, यकीनी तौर पर तुमको देगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, और हसन क्यों कहा उसको? क्योंकि वो खालिस है, अच्छा है, अल्लाह की रजा के लिए दिया गया है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह सुबहान ताला जब वापस लौटाएगा उसका कर्जा, तो उतना नहीं देगा बल्कि युदाइफ़हू, कई गुना बढ़ा देगा। लहू उसके लिए, वलहू अजरुन करीम, और उसके लिए अजर है इज्जत वाला, उम्दा, अच्छा। करीम का लफ्ज जो है इसमें वुस्सत भी है, इसमें खूबसूरती भी है, इसमें अल्लाह की रजामंदी और कबूलियत की तरफ इशारा भी है, क्योंकि युदाइफ़हू के साथ अजर भी कहा गया, अजरुन करीम। और ये एक हकीकत है कि जो माल इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे कई गुना वापस लौटाएंगे। यौम तरल मोमिनीना, जिस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों को, वल मोमिनाती, और मोमिन औरतों को, यसा, दौड़ रहा होगा, नूरहुम, उनका नूर, बैना ऐदीहिम, उनके आगे आगे, वबी ऐमानहिम, और उनकी दाई जानिब, और उनसे कहा जाएगा, बुशराकुम अल्यौम, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जन्नातुन, बागों की, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले हो इसमें, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है कामयाबी बहुत बड़ी। अब आप देखिए कि पीछे कर्ज हसना की बात हुई और उसके फौरन बाद कयामत के दिन की जजा की बात हुई, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो दुनिया में नेकी के काम करने वाले हैं, उनका नूर यानी उनकी नेकियों की जो रोशनी होगी, उनके ईमान की जो रोशनी होगी, वो उनके आगे आगे जा रही होगी। आगे रोशनी जाने का मतलब क्या है कि उनको रास्ता देखना होगा, और दाई जानिब, क्योंकि नाम अमाल होगा ना, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई दाएं हाथ में फूल पकड़ के जा रहा हो खुशबूदार, तो वो जहां से गुजरेगा क्या होगा, खुशबू फैलती चली जाएगी ना। तो इसलिए खासतौर पर दाएं हाथ का भी जिक्र किया गया, क्योंकि दाएं हाथ में क्या चीज होगी कयामत के दिन, नाम अमाल, नेक अमल। तो उन नेक अमाल में से नूर फूट रहा होगा, नेकियों का नूर होगा, उस दिन उनका नूर उनके आगे आगे उनको राह दिखाने के लिए, इधर चलो इधर चलो, और उनके दाएं हाथ की तरफ दूर दूर तक जा रहा होगा, यसा, दौड़ रहा होगा। और उसके साथ साथ फरिश्ते उनको खुशखबरी सुना रहे होंगे, बुशरा कुमुल यौम, तुम्हारे लिए खुशखबरी है आज, किस चीज की, उन बागों की जिनके नीचे नहरें बह। इसका मतलब यह है कि जन्नत के जो महल्लात हैं वो बहुत बुलंद हैं, ऊंचे हैं, और जो पानी की आबशारें वो नीचे की तरफ जा रही होंगी, खालिदीन फीहा, और इस बात की भी खुशखबरी कि यहां अब हमेशा रहना होगा। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये दरअसल बड़ी कामयाबी, हुआ की जो जमीर है जमीर फसल है, और जमीर फसल ताकीद और इख्तिसास के लिए आती है, खास कामयाबी, असली कामयाबी है। अब बात यह है कि ये नूर जो क़यामत के दिन इंसान के पास होगा, इसकी कैफियत क्या होगी, और ये किसके पास होगा, किसको ये नूर नहीं मिलेगा, किस चीज से ये नूर ज्यादा होगा, इसकी कैफियत और इसकी मजीद वजाहतें कुरान और सुन्नत से हमें मिलती हैं। सूरत तहरीम की आयत नंबर 8 में आता है, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। वहां भी यही आता है कि उनके दाई जानेब और उनके आगे आगे नूर दौड़ रहा होगा। यकूलून रब्बना अतमिम लना नूरना, और वो दुआएं करेंगे कि या रब हमारा नूर हम पे तमाम कर दे, क्योंकि अहले ईमान के साथ जो मुनाफिकीन होंगे उनको भी शुरू में नूर मिलेगा, लेकिन कुछ आगे जाकर वो नूर बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस पर जो सच्चे अहले ईमान है वो घबरा जाएंगे कि इनके साथ ये हो गया, कहीं हमारे साथ ना हो। तो वो फिर दुआएं मांगेंगे, अतमिम लना नूरना, हमारा नूर हम पे तमाम कर दे, यानी आखिर तक हमें नसीब कर दे। सूरत तौबा में आता है,
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو یہ جو بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ ہے یہ رب کی طرف سے بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کی طرف سے بھی ہوگی. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ اور ملائکہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تو جب اہل ایمان کو یہ خوف ہوگا کہ کہیں ہمارا نور ہم سے چھن نہ جائے تو اس وقت فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو تسلی دیں گے. بشراکم اليوم اور ساتھ یہ لا تحزنوا غم نہ کرو. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. تو آخرت میں ان کی دوستی ایسے ہی مقامات پر ہوگی. سورت مریم میں آپ پڑھ چکے ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نہیں تم میں سے کوئی مگر اس پہ ضرور وارد ہونے والا. کس پہ؟ پل صراط پہ. تو خاص طور پر پل صراط جو ہے وہ اتنا تھن اور اتنا شارپ ہوگا کہ اس پر جب کوئی چلے گا تو وہ کوئی ساتھ نہیں ہوگا نہ دائیں نہ بائیں. ہر شخص کس پہ چل رہا ہوگا؟ اپنی ہی روشنی میں چل رہا ہوگا. ہر شخص کے پاس اپنی ہی لائٹ ہوگی اور اگر اپنی نہیں کوئی اور نہیں دے گا. دیکھیں نا باقی میدان حشر میں تو لوگ ہجوم کی شکل میں گروپس کی شکل میں جھمگٹوں کی شکل میں ہوگے لیکن پل صراط ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب کو سنگل لائن میں جانا پڑے گا. اب جب آپ سنگل لائن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی کیئر خود کرنی ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایئرپورٹ میں جب داخل ہوتے ہیں تو بہت سے رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو خدا حافظ کرتے ہیں. پھر آگے جاتے ہیں تو پھر جو اندر رہ جاتے ہیں وہ جن کو ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, کہیں چائے پی رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. جب وہ بورڈنگ پاس دکھاتے ہیں تو پھر ہر ایک لائن میں ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اپنا بورڈنگ کارڈ نہیں ہے تو آپ اپنے رشتہ دار کا لے کے آگے نہیں جا سکتے, پھر آپ کو اپنا ہی لینا پڑے گا. تو اسی طرح ایک مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے بورڈنگ کا جنت میں, اس سے پہلے پل صراط کے اوپر اپنے اپنے کارڈ کے ساتھ یعنی نور کے ساتھ سفر کرنا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس اپنا نہیں تو پھر کوئی بھی دائیں بائیں سے مدد نہیں دے گا. اب اہل ایمان کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے, وہ ان کو تسلی دیں گے, اچھا اچھا چلو آگے چلو, چلتے جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. اور ان کا نور بھی ساتھ ساتھ ہوگا اور پھر بالآخر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا یہ نور حشر کے میدان میں بھی ان کے ساتھ ہوگا, ان کے جسم سے نور نکل رہا ہوگا اور خاص طور پر وضو کے اعضاء سے. اس میں ایک حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کا اذن ملے گا. میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا اور ساری امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امتوں کے اس ہجوم میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے اتنے ڈھیروں لوگوں میں؟ تو آپ نے فرمایا عارفہم محجلون من اثر الوضوء, میں انہیں پہچان لوں گا ان کے وضو کے نشان سے یعنی وہ جو چمک رہے ہوں گے. ولا یکون لاحد من الامم غیرہم, اور یہ میری امت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. عارفہم یعطون کتبہم بایمانہ, میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے. وعارفہم بسیماہم فی وجوہہم, ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوں گا. وعارفہم بنورہم یسعٰ بین ایدیہم, اور اس نور کے ذریعے ان کو پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے ان کے ساتھ جا رہا ہوگا. تو یہ امت مسلمہ کے صحیح صاحب ایمان لوگوں کی پہچان ہوگی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. ایک طویل حدیث آتی ہے جس میں حضرت ابو امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہوئے. جب وہ فارغ ہوئے تو لوگوں کو موت اور آخرت کی یاد دلائی.
उसमें बहुत सी बातें हैं, चंद एक जुमलों का तर्जुमा यह है, फिर तुम कब्रों से मैदान हशर की तरफ मुंतकिल किए जाओगे जिसमें मुख्तलिफ मराहिल और मवाकिफ होंगे। एक मरहला ऐसा आएगा कि बहुक्मे खुदावंदी कुछ चेहरे सफेद और रोशन कर दिए जाएंगे और कुछ चेहरे काले स्याह कर दिए जाएंगे। फिर एक मरहला ऐसा आएगा कि मैदान हशर में जमा होने वाले सब लोगों पर, जिनमें मोमिन और काफिर सब होंगे, एक शदीद जुल्मत और अंधेरी तारी हो जाएगी, किसी को कुछ नजर ना आएगा, किसी को कुछ नजर ना आएगा। इसके बाद नूर तकसीम किया जाएगा और हर मोमिन को नूर अता होगा। इब्न अबी हातिम की एक और रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से, मोमिन में यह नूर बकदर उनके आमाल के तकसीम होगा, किसी का नूर पहाड़ की तरह होगा, किसी का खजूर के दरख्त की तरह, किसी का इंसानी कद के बराबर, सबसे कम नूर उस शख्स का होगा जिसके सिर्फ अंगूठे में नूर होगा, यानी ये थंब जो होता है, कभी वो रोशन होगा कभी वो बुझ जाएगा, कभी रोशन होगा और कभी बुझ जाएगा। इसी तरह तबरानी में एक रिवायत इब्न अब्बास से आती है, मरफू रिवायत है कि पुल सरात के पास अल्लाह ताला हर मोमिन को नूर अता फरमाएंगे, इब्तिदा में मुनाफिकीन को भी दिया जाएगा, लेकिन मुनाफिकीन का ये नूर बाद में छीन लिया जाएगा। अब ये कौन लोग हैं कि जिनको ये नूर मिलेगा और वो कौन से आमाल हैं जो नूर बढ़ाने का सबब है? सबसे पहली चीज तो जितना ईमान मजबूत होगा उतनी ही रोशनी ज्यादा होगी, जितने अमल अच्छे होंगे, नेक अमल, नियत अच्छी होगी, उतना नूर ज्यादा होगा। लेकिन खुसूसी तौर पर कुछ आमाल ऐसे हैं कि जो नूर को बढ़ाने का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ जाते हैं क्यामत के रोज मुकम्मल नूर की। अंधेरी रातों में यानी फजर के वक्त, इशा के वक्त खास तौर पर, कि जब हर तरफ अंधेरा होता है और वो मस्जिदों की तरफ दौड़ रहे होते हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। मुस्नद अहमद में है, आपने फरमाया, जो शख्स पांचों नमाजों की मुहाफजत करे, हिफाजत करे, पांचों नमाजें यानी उनके औकात और आदाब वगैरह को पाबंदी से अदा करे, उसके लिए यह नमाज क्यामत के दिन नूर और बुरहान और निजात बन जाएगी। और जो इनकी हिफाजत ना करे, न वक्त की पाबंदी और ना ही अदब आदाब की, वो नमाज ना उसके लिए नूर होगी, ना बुरहान ना निजात, और वो कारून और हामान और फिरौन के साथ होगा। यानी जो नमाज अदा ना करे, या फिर ये क्या अदा करे लेकिन मुनाफिक की तरह चंद ठोंगे मार के उठ जाए और उसका हक अदा ना करे। इसी तरह कुरान मजीद, जिसे अल्लाह सुबहान तआला ने नूर कहा है, अंजलना इलैकुम नूरन, तो जो शख्स जितना ज्यादा कुरान से ताल्लुक कायम करेगा वो उतना ही ज्यादा नूर हासिल करेगा, नूर इकट्ठा कर लेगा, उसका नूर उतना ही ज्यादा होगा। मुस्लिम अहमद की एक रिवायत में आता है कि जो शख्स कुरान की एक आयत भी तिलावत करेगा वो आयत उसके लिए क्यामत के रोज नूर होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे हिफ्स करें, और सिर्फ हिफ्स नहीं बल्कि उसके साथ कुरान को समझें भी, तो उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये नूर भी उनके साथ होगा, यानी अगर आपके बच्चे जो हैं वो कुरान के आलिम हैं, तो वो इल्म जो उनको मिलेगा उसकी बदौलत, और उसमें हिफ्स भी शामिल है और फहम भी शामिल है, वालिदैन को भी नूर मिल जाएगा। यानी कुरान एक ऐसी चीज है, ऐसा नूर है कि जिसका पढ़ना, जिसको याद करना और जिसको आगे नस्लों तक मुंतकिल करना इंसान के नूर में इजाफे का जरिया है, ये रोशनी का जरिया है। तो आप देखें ना कि आगे भी नूर हो, सर पे भी ताज नूर के हो, हाथों में भी नूर हो, खुद भी इंसान बाअमल हो, औलाद भी आगे नेक हो, इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। फिर इसी तरह दलमी की रिवायत है कि आपने फरमाया, मुझ पर दुरूद भेजना पुल सरात पर नूर का सबब बनेगा, यानी दुरूद शरीफ भी नूर को बढ़ाता है। मुस्नद बज़ार में है, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद में एक तीर भी फेंकेगा उसके लिए क़यामत में नूर होगा। इससे क्या पता चलता है कि नेकी के वो काम जिससे दूसरों को भी भलाई पहुंचती, दूसरों तक खैर जाती है, वो मजीद नूर को बढ़ाने का जरिया बनते हैं। और खासतौर पर आप देखिए कि ये आयत किस आयत के बाद है,
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, صدقہ خیرات کے بعد. تو obviously پھر صدقہ خیرات جس سے خلق خدا کا فائدہ ہوتا ہے, دوسروں تک خیر جاتی ہے, وہ بھی انسان کے نور میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر اگر خاص طور پر وہ مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے, لوگوں کی ہدایت کے لیے خرچ کیا جائے. اس کے برعکس کیا چیز اندھیرا ہے قیامت کا؟ ظلم. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ایاکم والظلم فانہ ہو الظلمات یوم القیامہ. ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اسی طرح اس نور کے زیادہ یا کم ہونے کے بارے میں بھی بعض روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ مومنوں کی روشنی اتنی ہوگی جیسے مدینہ سے عدن تک جا رہی ہو, کچھ کی اس سے کم, کچھ کی اس سے کم, اور کچھ کے قدموں تک, اور کچھ کے صرف تھم میں. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک ہو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون, جس دن کہیں گے منافق مرد, والمنافقات, اور منافق عورتیں. ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر ہے, اور اسی طرح منافق مردوں کے ساتھ ساتھ منافق عورتوں کا بھی الگ طور پر ذکر ہے. تو قرآن پاک کے ویسے تو احکامات سبھی کے لیے ہوتے ہیں, مردوں عورتوں کے لیے, لیکن جہاں خاص طور پر الگ الگ ذکر کیا جائے وہ جگہ قابل توجہ ہوتی ہیں. تو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے, کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا, ایمان والوں سے. کیا کہیں گے؟ انظرونا, ہمیں دیکھو, یا ہمارا انتظار کرو. نقتبس من نورکم, ہم لے لیں تمہارے نور میں سے کچھ, تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو, ادھارا دے دو. نقتبس کا لفظ جو ہے یہ اقتباس سے ہے, اور اقتباس کا لفظ جو ہے وہ قبض سے ہے. اور قبض کس کو کہتے ہیں؟ آگ کے شعلے کو, یا چنگاری جو شعلے سے لی جائے. اور اقتباس ہوتا ہے کسی کے کلام سے چن چھانٹ کے کچھ حصہ اخذ کرنا, یعنی کہ کسی کی چیز میں سے کچھ چیز لے لینا. تو نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور میں سے ایک شعلہ لے لیں, یعنی ایک لپٹ اور ایک جو اس کی بیم ہے وہ ہمیں دے دو. تمہارے پاس اتنا سارا ہے, تھوڑا سا ہمیں دے دو. تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ قیلا, کہا جائے گا. کون کہیں گے؟ ملائکہ کہیں گے, یا خود یہ مومن جن سے یہ مانگ رہے ہوں گے؟ ارجعوا وراءکم, پلٹ جاؤ, لوٹ جاؤ اپنے پیچھے, پیچھے واپس جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. فلتمسوا نورا, بس اپنا نور تلاش کرو, واپس جا کے اپنا نور ڈھونڈ لاؤ. فلتمسوا کا لفظ جو یہ لمس سے ہے. لمس کہتے ہیں ہاتھوں یا انگلیوں سے کسی چیز کو ٹٹولنا, ہاتھ سے چھونا لمس ہوتا ہے. اور التمسا ہوتا ہے کسی چیز کو چھو چھو کر ڈھونڈنے کی مسلسل کوشش کرنا, یعنی ٹٹول ٹٹول کے, چھو چھو کے, دیکھ دیکھ کے اس کو ڈھونڈنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, اندھیرا ہوتا ہے جب, تو آپ چیزیں کیسے تلاش کرتے ہیں؟ کتنا پرفیکٹ لفظ آیا یہاں پر, فلتمسوا نورا, کیونکہ دیکھا تو جائے گا نہیں, تو کہیں گے فلتمسوا, یعنی ہاتھوں سے ٹٹول کے کہیں سے لے آؤ کچھ. قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا, یعنی ہم تمہیں نور نہیں دے سکتے, جہاں نور تھا وہیں سے لاؤ, اور واپس کون جا سکتا ہے. فضرب بینہم بسور, پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. یہ کون سی دیوار ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہی آراف ہے. پیچھے سورۃ الاعراف میں ہم آراف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا, یعنی جنت اور جہنم میں جانے والوں کے بیچ میں اب ایک دیوار آ جائے گی. لہو باب, اس کا ایک دروازہ ہوگا, اور اس دروازے سے مومن دوسری طرف چلے جائیں گے اور منافق پیچھے ہی رہ جائیں گے. باطنہ فیہ الرحمہ, اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. یعنی آپ امیجن کریں نا کہ پہلے منافق مومن سب ایک ہی جگہ پر ہیں, مومنوں کو نور ملا, منافقوں کو بھی شروع میں ملا, پھر کیا ہوا؟ منافقین کا نور لے لیا گیا. یہ جو دے کے لینا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو حسرت, جب کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو اس کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہوتی, اور دوسرا یہ کہ
अगर अंधेरा हो और लाइट जलाई ना हो तो आपको फिर भी कुछ कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर अंधेरा हो और खूब लाइट जली हुई हो और यकायक बिजली चली जाए तो वो अंधेरा कैसा होता है? बहुत ज्यादा अंधेरा लगता है वो, उसमें तो इंसान बिल्कुल ही अंधा हो जाता है। तो मुनाफिकीन से उनका नूर ऐन उस वक्त जबकि उनको शदीद तरीन जरूरत होगी उनसे ले लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने दीन पर इस्तेकामत इख्तियार नहीं की थी। ये जब मतलब होता था, दुनिया का कोई फायदा होता तो अपना दीन बेच डालते थे। तो अब क्या हुआ? قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب। अब सब पहले इकट्ठे हैं, एक जगह हैं, मुनाफिकीन का नूर ले लिया गया, मुनाफिकीन मोमिनों से मांग रहे हैं, मोमिन ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें नूर नहीं दे सकते, तुम कहीं और जाके ढूंढ के लाओ। इतने में एक दीवार सामने आ जाएगी और उस दीवार का एक दरवाजा होगा, मोमिनों के पास रोशनी होगी, वो दरवाजे से गुजर के पार चले जाएंगे दूसरी तरफ और मुनाफिक अंधेरों में पीछे ही रह जाएंगे। बातिनुह, बातिन कहते हैं किसी चीज के अंदर के, बतन से ना, अंदर का हिस्सा, यानी दरवाजे के पार का हिस्सा जो उसके उधर का है। वो जाहिरुहु, जाहिरी हिस्सा यानी बाहर का हिस्सा, मिन क़िबल हिल अजाब, उसकी समत अजाब होगा। क़िबल क़िबला समत को कहते ना, उसकी जानिब अजाब होगा, अब इनको अजाब पकड़ लेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अहले ईमान का नूर और अहले निफाक का अंधेरा, ऐसा क्यों? दोनों के साथ मामला तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ होगा, लेकिन रोशनी और अंधेरे की बात क्यों की गई और फिर रहमत और अजाब की बात क्यों की गई और बीच में दीवार का आना और एक का इधर होना और दूसरे का इधर होना, इन सब चीजों से क्या सबक मिलता है हमें? ये सब कुछ इतनी डिटेल में क्यों बताया जा रहा है हमें? युनादूनहुम, वो उनको पुकारेंगे, कौन? मुनाफिक। किसको? अहले ईमान को। बातें कर रहे होंगे, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं होते थे? हम एक घर में नहीं रहते थे? हम दोस्त नहीं होते थे? हम एक जगह काम नहीं करते थे? हम एक खानदान और एक बरादरी नहीं थे? हम एक कौम नहीं थे? अलम नकुम माकुम, दिन रात तुम्हारे साथ ही तो थे? कालू बला, मोमिन कहेंगे हाँ बिल्कुल थे, जाहिरी तौर पर तुम हमारे बीच में थे, साथ ही थे, इकट्ठे ही थे हम। वलाकिन्नकुम, लेकिन तुमने, फतन्तुम अन्फुसकुम, अपने आप को फितनों में डाला, तुम फितनों में कूदे, खुद को आजमाइश में डाला, अपने आप को खुद ऐसी सिचुएशन में ले गए कि जहां तुम्हारे लिए दीन पे कायम रहना मुश्किल था। फतन्तुम अन्फुसकुम, अपने आप को फितने में डालना क्या है? इंसान की आजमाइश क्या है इस दुनिया में, कि वो अल्लाह की इताअत पे कायम रहता है या नहीं? तो इंसान को हमेशा कोशिश किस बात की करनी चाहिए? ऐसा माहौल मिले, ऐसी जगह मिले, ऐसा काम हो कि जिसमें इंसान अल्लाह की इताअत करता चला जाए, ऐसी कोई चीज ना हो जो उसे अल्लाह की इताअत से रोक दे या इस रास्ते में रुकावट बन जाए। वलाकिन्नकुम फतन्तुम अन्फुसकुम, तुम खुद ही अपने आप को ऐसे जगहों पे ले गए कि जिनमें फितना था। मसलन आप देखिए कि इस वक्त अगर आप यहां बैठने की बजाय या घर रहने की बजाय अगर आप बेवजह मॉल्स में घूम रहे हैं तो क्या वो फितने की जगह नहीं? फितने की जगह है ना। एक जरूरत के साथ तो किसी जगह पर जाना और बात है, लेकिन बिला जरूरत सिर्फ घूमते फिरते रहना, निगाह किसी गलत चीज पे पड़ेगी, कानों में कोई गलत चीज सुनाई देगी और बेकार की चीजें बाज़ुकात इंसान अपने ही लिए इकट्ठी करता चला जाता है। इसी तरह एक हलाल की आमदनी है मगर थोड़ी है, एक और मशकूक आमदनी है ज्यादा है, हलाल छोड़ के कम पे कनात छोड़ के ज्यादा की तरफ जाना जहां ना नमाज हो सकती है, ना जुमा पढ़ा जा सकता है, ना ही और बहुत से दीनी हुदूद का ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन चूंकि दुनिया ज्यादा है वहां पर, लिहाजा वहां रहना, वहां जाना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दरअसल अपने आप को क्या करना है? फितने में डालना। इसी तरह हर इंसान को पता होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, किन लोगों से मिलकर बैठकर उनके पास वो गीबत शुरू कर देता है, किन लोगों के पास बैठ के उसका ईमान का लेवल डाउन हो जाता है, कौन सा काम करके इंसान के नफ्स को तो
खुशी मिलती है लेकिन अल्लाह से दूरी हो जाती। तो ये सारे मौके क्या है, फितने के ही है ना। तो मुनाफिकीन की मुश्किल क्या थी, जाहिरन इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा था, अंदर से इस्लाम पर राजी नहीं थे। और क्यों नहीं राजी थे, क्योंकि इस्लाम की बाज बातें उनके दुनियावी मफाद से टकराती थी, दुनिया उनको अजीज थी, लिहाजा दुनिया की खातिर अपने इस्लाम को, दीन को, दीनी अहकामात को, हर चीज को पीछे डाल देते थे और फितनों में कूद पड़ते थे। फतन तुम अनफुसकुम व तरबस तुम, और तुम इंतजार में रहे। तरबस कहते हैं मौके की तलाश में ठहरना, तुम मौके की तलाश में रहे। अब एक माना तो इसका यह किया गया है कि तुम इस इंतजार में थे कि कब मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है और हमारी भी जान छूट जाती और हमें आजादी मिल जाती। और दूसरा माना क्या है कि तुम मौके की तलाश में रहते। असल में तरबुज जो है ना, ऐसे कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान दो रास्तों में से एक रास्ते पर जाने का कतई फैसला ना कर रहा हो, कभी इधर का सोचे कभी उधर का सोचे और बीच में लटका रहे और फिर जो ही को फायदा नजर आए जिस रास्ते की तरफ जाने का उधर चल पड़े। जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं ना कि जिसमें हम बीच में अटके हुए होते हैं, दो चीजें हमारे सामने होती हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। एक तरफ दुनिया होती है, एक तरफ दीन होता है, और हम बीच में डावा डोल डावा डोल, इधर जाएं या इधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, और फिर हम किसी एक तरफ चले जाते क्योंकि दो रस्तों पर तो नहीं चला जा सकता। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं और आप सोचते हैं अच्छा नो फ्रिल्स पे जाऊं या लॉबलास पे जाऊं, अच्छा फिर आपको पता चलता है अचानक कि वो फलां जगह सेल लगी है, तो आप फौरन गाड़ी घुमाते हैं और किधर चले जाते हैं, जहां कोई फायदा नजर आता है। पहले आपने घर से निकलते कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन बीच की राह रहे, अच्छा उधर अच्छा उधर अच्छा, और जो ही आपको याद है ओहो अच्छा फलां जगह पड़ा था मैंने आज, फलां जगह फलां चीज सस्ती है, चलो उधर चलते, चाहे वो दूर भी हो तो आप उधर चल पड़ते, चलो उधर जाते। ये तरबुस है, इसका ये वो मुनाफिकीन के उससे अमल से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक मिसाल है तरबुस की। या तरबस न बयान फुसहिन न सलासा तो कुरू, कहां पढ़ा पीछे आपने, मुतल्लका औरत कि जिसको तीन हैज तक इंतजार कर रहे। अब वो क्या है, डावा डोल है ना, शायद शौहर उसको वापस रख ले और शायद वो फारिग हो जाए। ये जो कैफियत है ना कि जिसमें इंसान किसी एक जगह का नहीं, पता नहीं मुझे ये करना है या वो करना है, पता नहीं यहां रहना है कि वहां जाना है, ये जो इंतजार की कैफियत होती है इसको तरबुस कहते हैं। यहां मुनाफिकीन से कहा जा रहा है फतन तुम अनफुसकुम व तरबस तुम मौके की तलाश में रहे। और ऐसे में इंसान हमेशा किस तरफ झुकता है, जब एक इंसान बीच की राह में हो तो किधर को मुड़ता है, जहां उसका दिल चाहता है वो फिर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। अब मसलन आप मर्द घर से निकले, एक ख्याल आया मस्जिद चलते हैं, दूसरा ख्याल आया फुला काम कर लेते हो, बिजनेस पे चले जाते हैं, खेलने को चले जाते हैं और कुछ कर लेते। अब ये क्या है, डावा डोल से निकले ना, अच्छा अच्छा नमाज तो मैं रोज ही पढ़ने, चलो आज फुला दोस्त ने बुलाया उधर चले जाते हैं, वहां भी तो पढ़ ही लेंगे ना, गई मस्जिद और गए उधर आप। तो ये जो बीच की कैफियत होती है ना जिसमें इंसान वाजे नहीं होता, लेकिन जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है ना वो इतना वाजे होता है, उसने पहले ही डिसाइड किया हुआ होता है कि मुझे तो जाना ही मस्जिद है। सौ चीजें रास्ते में आए अट्रैक्टिव, चाहे किसी सेल का इश्तेहार नजर आए, चाहे कोई दुनिया भर के फायदे रास्ते में पड़ो, वो एक चीज में नजर गलत नहीं डालता, वो कहता नहीं मैं यहां जाने के लिए निकला और मुझे यही जाना है। बिल्कुल वाजे उसका गोल, वाजे उसका मकसद, उसका नजरिया, और वो उसी एतबार से तैयारी करता है और वो उसी के लिए निकलता है। रास्ते में कोई चीज नजर भी आती है तो उसको पीछे डालता है, ये बाद में करूंगा, पहले तो मैं जिस काम से जा रहा हूं वो कर लूं। उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल वाजे होती हैं। लेकिन मुनाफिकीन की प्रायोरिटी दीन नहीं था, आखिरत नहीं थी, वो दीन और दुनिया के बीच बीच में थे, कभी इधर लुढ़कते कभी उधर, और फिर बिल आखिर डिसीजन क्या होता, जो उनके दुनिया के फायदे में होता दीन की कीमत पर। वला किन्नकुम फतन तुम अनफुसकुम व तरबस तुम वर्तब तुम, और तुम शक में ही पड़े रहे। किस बात का शक, पता नहीं ये सच भी है या नहीं, पता नहीं ये ठीक भी है या नहीं,
पता नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं ये ऐसा ही है या बस बातें हैं, पिछली कहानियां हैं। तो ये जो दीन के बारे में एक शक वाली कैफियत होती है जो इंसान को कुछ करने नहीं देती, इसी का नाम है वरतब, तुम शक में पड़े रहे। जैसे सूरत तौबा 45 में भी आता है ना, वरतबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिन यतरद्ददून, उनके दिल शक में, उनके दिलों में शक, लिहाजा वो क्या करते हैं, उसी शक में मुतरद्दिद रहते हैं, कोई वाज़े डिसीजन नहीं लेते करना क्या है। वगर्रतकुमुल अमानी, ये है बड़ी मुश्किल, झूठी आरज़ुओं और ख्वाहिशात ने तुमको धोखे में डाले रखा। अमानी उमनिया की जमा, यानी दुनिया के बारे में जो तुम्हारी एंडलेस ख्वाहिशात थी, अच्छा ये हो जाए फिर उसके बाद ये हो जाए फिर अब एक शख्स होता है ना, उसको पता होता है मैंने हर हाल में अल्लाह की इताअत करी, वो इंतजार नहीं करता। अच्छा एक होता है, अच्छा पहले मेरा ये और ये और ये काम हो जाए ना, फिर मैं ये हराम का काम छोड़ के ना, तो फिर मैं तौबा करके तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं नेक बन जाऊंगा। अब सारी ख्वाहिशात जब आपने हराम से पूरी कर ली, अब आप नेक बनने चले, आपके पास क्या गारंटी कि आप उस वक्त तक नेक बन भी चुकेंगे, क्या गारंटी। अक्सर ऐसे ही होता ना, अच्छा अभी तो चूंकि मेरी ये मुश्किल है ना, इसलिए मैं ये गलत काम नहीं छोड़ सकता, अभी तो चूंकि मुझे ये और ये करना है इसलिए ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं ये नहीं। सारी जिंदगी गुजरती चली जाती, बचपन जवानी बुढ़ापा सब गुजर गए और ये कोई पता नहीं कि आधे में चले गए दुनिया से। गर्रत को मुलामानी, दुनिया बनाने की जो तड़प है और तलब है और ख्वाहिश है और तमन्ना है और जो आरजू है, वो हर हर ख्वाहिश ऐसी है कि जिसपे दम निकलता है और उसको पूरा करते 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 अल्लाह को नाराज करते वो दिन आ जाता है कि इंसान उसी हाल में दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इसको क्या कहा गया, गर्रत को। सूरत अन्निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैस बिअमानीयकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज़ा बिही, न तुम्हारी ख्वाहिशात पर और न अहले किताब की ख्वाहिशात पर कोई चीज मबनी, जो बुरा करेगा वो सामने पाएगा। हत्ता जा अम्रुल्लाह, यहां तक के अल्लाह का फैसला आ गया। कौन सा फैसला, मौत का। वगर्रकुम, और धोखे में डाले रखा तुमको, बिल्लाही अल्लाह के बारे में, अलगरूर उस बड़े धोखेबाज ने यानी शैतान ने, फदल्लाहु मा बिगुरूर आता है ना शैतान के बारे में, शैतान ने तुम्हें ऐसे धोखे में डाला कि तुमको आखिरत भूल गई और तुम दुनिया के नफे के सौदे करते रहे और आखिरत के नुकसान के सौदे करते रहे, और फिर जिसके लिए जो कमाया था वहां वही तो मिलना था। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना वादल्लाही हक़्क़ुन, लोगों अल्लाह का वादा सच्चा, यानी मौत का वक्त मुकर्रर है, आखिरत आएगी, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखा न दे, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और अल्लाह के बारे में वो धोखेबाज तुम्हें किसी धोखे में मुबतला न करे। सूरत फातिर में आता है, या अय्युहन नास इन्ना वादल्लाहि हक्कुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, इन्ना शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन असहाबिस सईर, फल्यौम ला युअखज़ु मिनकुम फिदयतुन, आज तुमसे कोई फिदिया न लिया जाएगा, कोई मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा, जो दुनिया में तुम कमाते रहे वो वहीं रह गया, आज तुम बदला नहीं दे सकते उससे। वला मिनल्लज़ीन कफरू, और ना उनसे जिन्होंने कुफर किया, ना मुनाफिकीन कोई अपना इवज छूटने के लिए पेश कर सकेंगे और ना कुफर वाले, मअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना आग है, हिया मौलाकुम, वही तुम्हारी मौला है। मौला क्या होता है, कारसाज, यही तुम्हारी अब खबर लेगी, केयर यही करेगी, तुम्हारी दोस्त यही होगी, तुम्हारी यही साथी है अब, और तुम्हारे लायक भी यही है। वबिसल मसीर, और बदतरीन ठिकाना है, यानी आग बदतरीन अंजाम है जो किसी को मिले। तिलावत सुनिए। بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم।
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم
منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اوكي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.